मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम बनाने जा रहे हैं खूबसूरत सी लॉन्ग बॉडी फ्रॉक। यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने ये कपड़ा हम ये बड़े अरस का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमें तकरीबन 1 यार्ड से थोड़ा सा कम लगेगा ये कपड़ा। तो अब हम मैं इस यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम बैक साइड कटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास जो फ्रॉक का जो पैटर्न है ये जो है स्मॉल का है, तो हम उसी हिसाब से अपना सेटअप करेंगे। देख लें, ये हम रखेंगे इसको, यहाँ से सेट करेंगे और पहले हम इसको हम यहीं से जो है ड्रॉ कर लेंगे दोबारा। सिर्फ ये हम हेल्प के लिए थोड़ा सा ले रहे हैं अपना पैटर्न, और अब हम इसको इसी के साथ ड्रॉ करेंगे। ये देख लें आप, इसकी हमें लेंथ लेनी है 12 इंच, ठीक है। ये सिलाई इसकी इंक्लूडेड होगी इसी के अंदर, हम इसमें एक्सेस कपड़ा नहीं लेंगे। ये रहा हमारा, और उसके बाद हम लेंगे यहाँ से बाकी चीज़ें हम उतनी ही लेंगे। ये देखें, ये हमारा है 5 इंच। ठीक है, यहाँ से हमने लिया हुआ है, ये भी हमारा आर्म होल भी हमारा 5 इंच के करीब ही है। और यहाँ से हम ये लेंगे हम 6.5 इंच, ठीक है। यहाँ से हम ले रहे हैं 6.5 इंच, और यहाँ से हम इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। ये निकाल कर अपना पैटर्न हमने हटा दिया है, अब हम इसे कटिंग करेंगे। आप ये देख रहे हैं, हमारा बैक साइड कट चुका है। इसी बैक साइड को हम इस तरह रखेंगे, एक एक पीस कटिंग करेंगे, हम दोनों पीस इकट्ठा नहीं काट रहे हैं इस तरह। हम अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको सेटअप करा है। पिन लगा के हमने इसे सेटअप कर दिया। अब यहाँ से हमें 3 इंच ज़्यादा लेना है, 3 इंच हम यहाँ से ज़्यादा लेंगे। ये हमारा ये जो साइज़ है इससे, अब उसके बाद यहाँ से हम मिलाएंगे इसको। ये देखें, ये रहा, और ये इस तरीके से देख रहे हैं आप ये पूरा। उसके बाद हम यहाँ से हमने लिया हुआ है, ये शोल्डर से हमने नापा हुआ है इसको, और ये पूरा हमारा इस तरीके से आएगा ये अंदर की तरफ। ये देख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से बाकी हम यहीं से कटिंग कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से हम इसको सीधा इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो दूसरा पीस है वो हम ये जो हमारा आड़ा आया है ये कटिंग का, ये हम यहीं से हम इसको सेट कर लेंगे। इस तरह हमारा कपड़ा ज़ाया नहीं होगा। ये देख लें, इसको मैंने इस तरह सेट किया, और अब हम इसे ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पीस कट गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ सेट करके। ये बैक है हमारा, ठीक है, ये फ्रंट है हमारा, ये दोनों पीस इसको हम इस तरह रखेंगे ये, और उसके बाद ये हमारा इसके ऊपर आएगा। ये देखेंगे जिसको हम सियेंगे, ये थोड़ा सा गला और बड़ा हो सकता है। ये देखें, इस तरीके से ये आएगा हमारा। अब जो हमारे पास, अब ये मैं बता दूँ आपको, ये इसके नीचे का स्कर्ट हमें कितना काटना है। ये हमारी बॉडी थी 12 इंच, ये हम जब सी लेंगे सब कुछ ऊपर नीचे से सिलाई हो जाएगी, तो हमारे पास ये 11 इंच बचेगा। तो हमें 8 इंच की बॉडी लेनी है इसके नीचे, बल्कि मैं 9 इंच की लूँगी सिलाई होने के बाद। ये हमें 18 इंच की जो है हमारी फ्रॉक रेडी होगी, जो कि तकरीबन 2 ईयर तक की बेबीज़ के काम आती है। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारे पास पीस बचा है, इसकी मैं आस्तीनें निकाल लूँगी इस तरह रख के। ये तिकोनी हमारी यहाँ से ऐसे आस्तीन हमारी हो जाएगी। उसके बाद जो है हम इसका स्कर्ट निकालना बताएंगे आपको, और इसके अंदर हम फ्रिल लगाएंगे, वो हम आपको दिखा देंगे कि हमने फ्रिल बना के रखी हुई अपनी। ये देखें, ये सीधी फ्रिल है हमारी, इसमें कुछ भी नहीं है।
ये देखें इस तरह हमने फ्रिल बनाई हुई है, सीधी उरेबी नहीं है ये, बिल्कुल सीधी सादी सी है। और दूसरी फ्रिल हमारी यहाँ पर है, ये इसमें से ही हमारा पीस निकला था, इसे हम जॉइंट कर देंगे, यहाँ से सी देंगे इसको आपस में मिलाकर, और उसके बाद इसको डबल फ्रिल हम इस तरह लगाएंगे पूरे गले के ऊपर। जब हम ये सियेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा इस तरह आएगा, ठीक है। अब हम स्टिच करने चलते हैं इसको। सबसे पहले हम ये दोनों शोल्डर सियेंगे, ये देखें आप, ये सिलेगा हमारा ये शोल्डर हम सीने के बाद। उसके बाद जो है हम इसको अपनी चुनटे सेट करेंगे, जो गैदर्स मैंने आपको दिखाए थे। ये हो गया हमारा, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर हम जो है यहाँ से जो हम चुनर डालना शुरू करेंगे, तो एक में हम पूरी डालेंगे और एक हम सीधी सी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक जाएगा, जो ऊपर आएगा हमारा उसके ऊपर चुनटें हमारी पूरी होंगी। ये हमारे पास हमारी गैदर्स है, इसको हम पहले सेट करेंगे एक साथ, ठीक है। ये बराबर करके हमने इसको लिया, ये मैंने इसे जोड़ दिया यहाँ से, ये हमारा खुला हुआ था, इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर एक के ऊपर एक रख के हम इसे गैदर्स डालना शुरू करेंगे, इसमें यहाँ से हम डालना शुरू करेंगे, ये डबल है हमारी, अब हम यहाँ से डालेंगे। आप ये देख रहे हैं दोनों पीस लेके हमने इसमें इस तरह चुनर डाल लिए सी, ये अब इसको जो है हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। ये देख रहे हैं ये हमारा इस तरह आएगा ये पूरा पीस। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पीस जो है हम लेंगे तो ये जितना ये हमारा पीस ये है साइज़ पूरा गले का जो आएगा इसका डबल मतलब एक गुना ज़्यादा जितना ये पूरा साइज़ है ये हो रहा है। आप देख रहे हैं, मैं आपको इसका बता देती हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये झॉलर हमने कितनी लिए ये गैदर्स लगाने के लिए। ये देखें ये हमारा हो रहा है पीस 15 और ये हो रहा है हमारा 30 इंच, ठीक है। तो इसमें हम 15 इंच या 20 इंच ज़्यादा रखेंगे ताकि हम गैदर्स दे सकें। मैंने 15 इंच ज़्यादा रखा है, आप जो है अपने हिसाब से जितना आपको अगर ज़्यादा गैदर्स डालनी है तो ज़्यादा रख लें। और जो ये फ्रंट का पीस है ये जो ये हमारा है एक हमारा 5 इंच है और दूसरा वाला जो है वो हम लेंगे, मैं यहाँ से बता रही हूँ, दूसरा वाला हमारा सेकेंड वाला पीस 7 इंच है और नीचे वाला हमारा 5 इंच है। और नीचे लाते लाते ये एक जो है हमारा 1/2 इंच है और दूसरा तकरीबन 1.5 इंच है, ये देखिए 1.5 इंच और 1/2 इंच, ठीक है। और इसको यहाँ रख के हमें सिर्फ जो है सिर्फ सीधा एक साइड का हमने सीधा रखा और दूसरी साइड का यूँ इस तरह से उरेबी कटिंग कर दी। अब अभी हमने ये इसको सेट कर लिया, करने से ये हम यहाँ लगाने से पहले हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे, और पाइपिंग लगाने के बाद सिर्फ एक जगह हम इसको एक के ऊपर एक रख के जहाँ ये चुन्नट नहीं है वो नीचे और ये चुन्नट वाला हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखें ये हमारा ये इस तरह हमारा लुक आएगा, ये पाइपिंग हम इसमें लगाएंगे। और अगर पाइपिंग नहीं लगा रहे तो आप पट्टी लेकर अंदर की तरफ इसे फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से, मगर मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, ठीक है। आप ये देख रहे हैं हमारी पाइपिंग है, इसको हम इस तरह से लगाना शुरू करेंगे, डबल करेंगे हम इसको, और उसके बाद ये अपने पूरे झालर में हम ये लगाएंगे तरतीब से सीधा इस तरह लेकर।
ये हमने सेंटर पे यहाँ पे अपना कट लगाया हुआ था, ये देखें, ये इसको हम इसको यहीं सेट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ, और लगाने के बाद हम जो है यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये चीज़ हमारी है, ये पैपिन हमारी लग चुकी है, यहाँ हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह हमारा ये सेट हो जाएगा। और हम यहाँ पर एक एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से अपनी। ये देखें, पूरी सिर्फ इतनी सी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि ये हमारी इस तरह खुला रहेगा। और उसके बाद हम बाकी काम करना शुरू करेंगे। यहाँ तक लगाऊंगी मैं ये सिलाई, ये जहाँ तक मैं अपनी पिन लगा रही हूँ, ये देखें, ठीक है, यहाँ तक हम लगाएंगे, और बाकी हमारी ऐसे ही रहेगी। ये देखें, ये इस तरीके से हमारा सेट रहेगा। अब उसके बाद हम इसमें अपनी आस्तीनें सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसकी साइटें सीएंगे, यहाँ पे एक पट्टी लगाएंगे बेल्ट के लिए। चले, हम अपनी आस्तीनें रेडी करते हैं। सबसे पहले आस्तीन में हम इतनी जगह पे चुनर देंगे, ये देखिए, यहाँ तक ये हमें रखना है आस्तीन के लिए। ये देखें, 3.5 इंच के करीब हमारी चौड़ाई होनी चाहिए, तो टोटल 7 इंच। तो ये मैं 7 इंच कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास जो 7 इंच के करीब हम इसमें गैदर्स देंगे। दोनों पट्टियाँ काट रही हूँ मैं, ये देखें, ये रहा हमारा 7.5 इंच, ले लेते हैं, सिलाई में भी चला जाएगा, ठीक है। ये हमारी आस्तीन हमने इस तरह रेडी कर ली है। अब हम इस यहाँ आस्तीन लगाएंगे अपनी, बीच में हल्की सी चुन देकर, बिल्कुल उसी तरीके से, ये देखें। और उसके बाद फिर साइडें सीएंगे इसके। हमने साइटें सी ली हैं इसकी। अब ये सबसे लास्ट में जो है हम इसको ये अपना गैदर से इसको यहाँ लगाएंगे हम चुनर देकर। ये साइटें जो इसको एक साइड सिर्फ हमारी सिलाई आएगी, एक साइड पे ऐसे जुड़ा हुआ है ये, तो ये इसको हम इस तरह हल्की हल्की सी गैदर्स लगाकर इसमें लगाएंगे। ये हमारे गैदर्स लग चुके हैं हमारी फ्रॉक के अंदर। अब हम इसको नीचे से मोड़ेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। सबसे अब उसके बाद हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं, हमने इसे नीचे से मोड़ लिया है। अब हम इस फ्रॉक पर लगाने के लिए अपनी बेल्ट तैयार करेंगे, जो हम यहाँ से लेंगे। और ये हमने ली हुई है 4 इंच की ली हुई है, 2 2 इंच दोनों तरफ हमारा आएगा ही है, तो ये हमारी रेडी हो जाएगी। 2 इंच के 1.75 के करीब रेडी होगी हमारी ये। ये हमारी ये हो गई बेल्ट तैयार। ये यहाँ पर हमने जो खोला हुआ था, इसको हम यहाँ पर इस तरह हम इस पर मशीन चला देंगे। इसे हम प्रेस से बिठाएंगे ये अपनी पट्टी को, ठीक है। अब यहाँ जो हमारी ये फ्रॉक है, इसको हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसको हम लगाएंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे हम मशीन चलाएंगे दोनों साइडों पर, ठीक है। इधर दोनों साइड हमारी मशीन चलेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम इस पर खूबसूरत सी बो बना देंगे। देखें इस तरीके से, यहाँ हमारी बनेगी ये बो। और ये हम इस तरह दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसके साथ ही हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। आपको हमारी फ्रॉक पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर दिस ट्यूटोरियल एंड लाइक दिस ट्यूटोरियल एज वेल। थैंक यू सो मच।